चुनाव बवाल को लेकर सरकार और यूपी पुलिस पर लगातार सवाल उठे। किसी ने सरकार को किसानों की दुश्मन बताया तो किसी ने यूपी पुलिस पर बेरहम होने का इल्जाम लगाया। खुद प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो ट्वीट कर यूपी पुलिस और सरकार पर निशाना साधा, लेकिन उन्नाव कांड के उसी वीडियो ने उनके सारे आरोपों को धराशायी कर दिया, यहाँ तक कि उनको वो वीडियो अपने ट्विटर से डिलीट भी कर दिया। दरअसल इस वीडियो में एक किसान जमीन पर बेहोश पड़ा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस किसान की बेरहमी से पिटाई की, जिससे वो बेहोश हो गया, लेकिन यूपी पुलिस ने उसी वीडियो को दूसरा पक्ष भी दिखाया, जिसमें किसान अचानक उठकर भागने लगता है, जिसके बाद प्रियंका गांधी को वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो इस वीडियो को आप देखिए, दो वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, खबर जो फैलाई गई वो वीडियो देखिए और खबर का जो काला सच है वो भी आपके सामने है। तो एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक किसान को पुलिस के द्वारा मारा गया, वो बेहोश हो जाता है। वहीं पर दूसरा वीडियो सामने आया है पुलिस की ओर से, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो युवा कुछ ही देर में उठता है और वहां से भाग निकलता है। तो नाव में किसानों के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, लगातार दोबारा मुआवजे की मांग की जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मिलने के लिए किसानों के हितैषी बनकर वहां पर पहुंच रही है, किसानों से वार्तालाप हो रही है, लेकिन कोशिश जिलाधिकारी की ओर से भी हुई कि किसानों के साथ बैठकर बातचीत हो जाए तो शायद कोई सुलह हो जाए, लेकिन यहाँ ये बवाल नहीं थम रहा क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो चुका है। और तस्वीरें देखिए, खबर जो फैलाई गई वो पहली तस्वीर है, एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ है और लग रहा है कि वो शायद बेहोश है और आरोप यह है कि पुलिस ने पीटा जिसके बाद वो बेहोश हो गया। लेकिन वहीं पर जैसे ये वीडियो पोस्ट किया गया प्रियंका गांधी की ओर से, प्रियंका गांधी को ये वीडियो डिलीट भी करना पड़ा क्योंकि दूसरा वीडियो सामने आ गया और इसकी सच्चाई देखिए, कैसे वो युवक जो कि लग रहा था कि शायद बेहोश है वो कुछ ही पल में उठता है, उठते हुए देखिए और वहां से भाग निकलता है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, खबर जो फैलाई गई, खबर का वो काला सच भी आपके सामने। अब इसको लेकर भी वॉर शुरू हो चुका है, अधमरा खुलासा देखिए उन्नाव बवाल को लेकर। एक तरफ तो किसानों को समझाने की, उनके साथ बातचीत का जरिया निकालने की बात कही जा रही है, तमाम आरोप पुलिस कर्मी पर लग रहे हैं, तमाम आरोप जो है सरकार पर लग रहे हैं। वहीं इसी बीच कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं ताकि माहौल को खराब किया जा सके, हिंसा को भड़काया जा सके, लेकिन इसी बीच एक सच भी सामने आया है, अधमरा खुलासा कहें या काला सच कहें, क्योंकि जो वीडियो पहले आया उसमें लग रहा है कि किसान को पीटा गया बेरहमी से जिसके बाद वो बेहोश हो गया, लेकिन कुछ ही पल बाद वो उठकर वहां से भाग निकलता है, वो वीडियो भी सामने आ चुका है। तो इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, पहली तस्वीर जो कि ये बता रही है, ऐसा आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने बेरहमी से पीटा जिसके बाद वो किसान वहां पर बेहोश हो गया, बेहोश होकर वहां लेटा रहा, किसी ने देखा नहीं, पुलिसकर्मी वहां पर आते जाते रहे। लेकिन दूसरी तस्वीर सामने आई जिसमें दिखाया गया है कि जो लेटा हुआ शख्स था वो उठकर भाग निकलता है, यानी कि बेहोश पड़ा हुआ शख्स अचानक से उठता है और वो वहां से भागता है, यानी कि वो पहले बेसुध था लेकिन उसको समझ में आया कि मुझे भागना है। तो ये दो वीडियो सामने आए हैं जो कि अफवाह फैलाने के लिए उन लोगों को ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस तरह की वीडियो को ना फैलाया जाए जो कि माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने जब ये वीडियो पोस्ट किया अपने ट्विटर पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर, तो बाद में उसको डिलीट भी करना पड़ा। तो नाव में किसानों के द्वारा जमीन अधिग्रहण ना करने को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। चलिए अब इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा जानकारी के साथ विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। विशाल, उन्नाव को लेकर वैसे ही शासन प्रशासन की बात की जाए तो बहुत से सवाल खड़े हो चुके हैं, राजनीतिकरण शुरू हो चुका है इसका, लेकिन जो ये वीडियो सामने आया, प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर अपने एक वीडियो शेयर किया और फिर उसके बाद दूसरा वीडियो आता है जिसमें वो शख्स जो कि बेहोश था वो उठकर खड़ा होकर चलने लगता है, तो क्या कुछ इसकी तस्दीक की गई है, क्या कुछ सच्चाई? द
देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि जो जमीन अधिग्रहण का जो पूरा ये आंदोलन हुआ था जिसमें किसान और पुलिस के बीच में संघर्ष हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं से एक राजनीतिक साजिश बिल्कुल छुपी हो सकती है, इस बात का अंदेशा कल यूपी सरकार के जो मंत्री हैं सतीश महाना उन्होंने भी कहा। और इस जो वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जिस व्यक्ति को लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो या अथवा और बड़े नेता हो, इस बात को कह रहे थे कि पिटाई से जो है अधमरा हो गया था, उसके बाद ही पुलिस वाले पीटते रहे, बाकायदा प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया उस वीडियो को, उस वीडियो की सच्चाई सामने आई है। उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जो व्यक्ति है वो उठकर भाग रहा है। तो ऐसे में एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि तमाम जो पहलू हैं उनको शायद जो है अनसुलझा रखा गया है, उनको अनछुआ किया गया है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल खड़ा होने लगा कि क्या वाकई में विपक्षी दलों की राजनीति थी या इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी थी। विशाल आपके पास आती हूं, इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। मनीष, एक वीडियो सामने आया, प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो डाला जिसमें दिखाया गया कि पुलिस ने इतना बेरहमी से एक शख्स को पीटा, वो किसान बताया गया, वो बेहोश हो गया, लेकिन उसी के पल एक पुलिस की ओर से वीडियो आता है जिसमें ये सामने दिखाई देता है कि वो शख्स जो बेहोश था वो उठकर भाग निकलता है, क्या कहेंगे? श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की राजनीतिक अपरिपक्वता है वो, और राजनीति ग्राउंड जीरो पे होती है। ट्वीट के स्वीट से राजनीति करना चाहती है प्रियंका जी, और उनको उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत का पता नहीं है। ये तो एक वीडियो है जिससे उनकी कलाई जरूर खुल गई, लेकिन उन्नाव कांड पे अगर पूरी दृष्टि अगर आप डालेंगी और समग्रता से देखेंगे तो 2000 के करीब किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है, 1900 से ज्यादा किसानों की का मुआवजा दिया जा चुका है। इसके बावजूद वहां इस तरह का विवाद निश्चित रूप से कुछ और संकेत करता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी एक विशेष प्रकार की पक्षी की तरह सभी घटनाओं को देखती है और उसी तरह उनका रिएक्शन होता है, तो मेरे तो एक ही उनको सुझाव है कि कम से कम हकीकत जाना करे, जानने का प्रयास करे, और सड़क पर निकले कमरे में बैठ के ट्वीट के आधार पे अगर राजनीति करेंगी तो अक्सर इस तरह से असहज स्थिति का सामना जैसे श्री राहुल गांधी जी को करना पड़ता था, आज उनकी क्या स्थिति हुई है उसी तरह से प्रियंका जी को अभी आगे भी करना पड़ेगा। मनीष जी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को बता दें कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से भी हमारे साथ कोई जुड़ जाए, उनसे भी जरा सवाल जवाब हो जाए, लेकिन असमर्थ बता रहे हैं। वो बात उन्होंने फोन पर तो बात की लेकिन कैमरे पर आने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि कैमरे पर इसको लेकर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, असमर्थ हैं, लेकिन फोन पर तो बात कर सकते हैं लेकिन कैमरे पर आकर इसको लेकर जवाब नहीं देंगे, ये कहा गया है। मनीष जी क्या कहेंगे? हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो कैमरे पर आकर इसको लेकर साफ तो करें कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो तो आना ही नहीं चाहते। कांग्रेस शुतुरमुर्ग की चाल से चल रही है, मुंह तो वहां कतो कुछ नहीं, और लगातार लोकतंत्र के चौथे जो स्तंभ है मीडिया के कार्यक्रमों में न जाना, डिबेट्स में न बैठना, और अभी जब ये ट्वीट श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने किया था तो सभी कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी जी हमारे साथ आखिरकार जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। ये एक वीडियो जो कि प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया जिसमें किसान बेसुध था, बेहोश पड़ा हुआ था, ये ट्विटर के जरिए हुआ था, लेकिन बाद में प्रियंका गांधी को डिलीट करना पड़ा क्योंकि पुलिस की ओर से एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जो बेहोश था वो उठकर खड़ा होकर चलने लगता है, क्या कहेंगे? जी हाँ, उनके पास जो फोटोग्राफ्स आए थे जिसने पुलिस को भी धोखा दे दिया था जिसकी वजह से पुलिस को दोबारा उसको देख करके करना पड़ा, तो उन्होंने उसको देख करके ट्वीट किया। देखिए यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि वीडियो उन्होंने क्या ट्वीट किया, मुद्दा यहाँ के पर ये है कि किसानों के साथ किस तरह से पुलिस जो है वो जुल्म ज्यादती कर रही है। वो एक वीडियो को लेकर के सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, चीजों को छोटा करने के लिए इस तरह की बातें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। मुद्दा ये है कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्यों हुआ? आरोप तो ये लग रहा है कि लगातार विपक्षी जो है वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं क्योंकि अब तो सच्चाई सामने है। पहले दिखाया गया कि वो बेहोश था, दूसरा पुलिस ने कर दिया वो वीडियो अपलोड की, आप देखिए सच्चाई क्या है। ऐसे आप लोग नहीं, सच्चाई ये है कि पुलिस वाले जो हैं वो बुरी तरह से किसानों का शोषण कर रहे हैं सरकार के हुक्म पर। मुद्दा ये है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान है वो बेहाल है और परेशान है। मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा वीडियो पहले आया कौन सा बाद में आया, उन्होंने तो नहीं बनाया, वो भी था उसके अंदर सही वीडियो आया, उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया है।
आप जो है वो मुद्दा जो है उससे भटक करके इन छोटी छोटी चीजों में पल करके किसानों की समस्याओं को छोटा ना करें। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के पद जो है वो सिर्फ पुलिस प्रशासन और जो इस वक्त पार्टी सत्ता में है वो किसानों के मुद्दे को छोटा करने के लिए बीजेपी की ओर से मनीष शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। नकवी साहब, वो लगातार ये कह रहे हैं कि राजनीतिकरण कर रहे हैं, विपक्षी जो है लगातार इसको नया एंगल देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मामला तो समाजवादी पार्टी के समय का है। उन्होंने टाउनशिप बनाने का, टाउन आपकी जो सिटी है बहुत अच्छी सिटी होगी, बहुत से वादे किए थे लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और निकली। समाजवादी पार्टी या कोई हो, इस वक्त सत्ता में कौन है, कार्रवाई कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा इसका, क्या समाजवादी पार्टी करेगी? ये सत्ता छोड़ करके समाजवादी पार्टी को देने के लिए तैयार है? आइए आप आकर के इसको सही कीजिए। देखिए ये वही हमने कहा ना, ये कोई काम नहीं करना चाहते, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य हो गया, जो भी बात है पुरानी सरकार का। अरे पुरानी सरकार का है तो क्या मतलब? जवाब लेते हैं मनीष जी, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, पुरानी सरकार पर आप थोप रहे हैं सब कुछ। मैंने कहा कि 2000 के करीब किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, 1900 से ज्यादा किसानों का मुआवजा दिया जा चुका है, और ये उस समय का मामला था, ये अधिग्रहण तब शुरू किया गया था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और ये उसी 2017 के चुनाव के पहले का मामला है जब उत्तर प्रदेश के दो लड़के उसके बाद एक साथ चुनाव भी लड़े थे। तो जो पॉलिसी लोगों ने बनाई थी उसके बावजूद हमारी सरकार ने सारे मुआवजे दिए, करीब 101 किसानों के मुआवजे नहीं दिए गए हैं जिनके आपस में विवाद है न्यायालयों में। और हमको लगता है कि जो इस तरह ये ट्वीट तो एक कलई खोलने के लिए जो बात हो रही है, प्रण में राजनीति है, और प्रियंका जी को जमीनी हकीकत का पता नहीं है, उत्तर प्रदेश के इस पूरे प्रकरण का पता नहीं है, और उनका हस्त मंत्री होने वाला है जो राहुल गांधी जी का राजनीति में हुआ है। नकवी साहब, सवाल तो एक उठता है यहाँ पर, महासचिव है पार्टी की प्रियंका गांधी, कोई भी ट्वीट करने से पहले, कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले नहीं लगता कि पहले उस पर पूरा जांच कर लेनी चाहिए कि वाकई में इसमें कुछ सत्यता है भी या नहीं? देखिए बात यह है कि जैसी सत्यता पता लगी उन्होंने ट्वीट को वापस ले लिया, और मुद्दा ये नहीं, मुद्दे को भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ना करे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो उस वक्त सरकार थी उसने जो कार्य किए थे, क्या जो दूसरी सरकार है वो उन कार्यों को पूरा नहीं करेगी? क्या यहाँ पार्टियां जो है वो चलाती है या सरकारें चलाती है प्रदेश को? जो है ये लगातार आप लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो उकसाने वाला काम हो गया। जब हम राजनीतिक पार्टी है तो सकारात्मक राजनीति निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से हम जो है वो किसानों के साथ खड़े होंगे, निश्चित रूप से किसानों का अगर शोषण किया जाएगा तो हम उसके खिलाफ। अगर वीडियो डिलीट किया गया तो क्या ये भी लिखा गया कि मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये तो उकसाने वाला काम था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है लगातार? भाई हमने कहा ना, अफसोस की बात की है कि मीडिया भी स्क्रीट के अंदर फंसा हुआ है, मीडिया ये नहीं कह रहा है कि किसानों को जो मुआवजा नहीं दिया उसके लिए मीडिया सब कह रहा है, मीडिया हर एंगल पर बात कर रहा है। सर हम हर सवाल, हर चीज को लेकर सवाल करेंगे और आपको जवाब देना भी होगा। मनीष जी से भी हम लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जो पुरानी सरकार भी हुआ उसको लेकर क्यों आप जो है उसी पर अटके हुए, आगे बढ़ने की सोचिए, हम वो भी कर रहे हैं सवाल। अभी फिलहाल जो वीडियो सामने आया उसको लेकर मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांग रही है कि उन्होंने अब तक जो है वो मुआवजा क्यों नहीं दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांग रही इस बात के लिए कि किस तरह से उनके ऊपर लाठी चार्ज? मनीष जी जवाब दीजिए। बात ये है, मेन चीज जो है उससे लाल लकवी नहीं हुआ है। अब मनीष जी कहीं ना कहीं तो विफल हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हैं किसानों से। नकवी जी कम से कम आप तो प्रियंका वाड्रा जी की तरह बात मत करिए। मैंने अभी 3 बार आंकड़े दिए कि 1900 से ज्यादा किसानों को पूरा मुआवजा दिया जा चुका है, करीब 100 किसान जिनका आपसी विवाद, पारिवारिक विवाद न्यायालय में है उनको छोड़कर, क्योंकि वो न्यायालय तय करेगा किसको देना है, तो कम से कम आप श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की तरह तो बात मत करिए। आप तो यहीं के रहने वाले हैं, उन्नाव आपका गांव है और लखनऊ। चलिए शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नकलीफ साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशाल भी हमारे साथ बने हुए थे तमाम अपडेट दे रहे थे उनका भी शुक्रिया। तो ये वीडियो सामने आया है और क्या कुछ अब इसको लेकर और भी राजनीतिकरण होगा और उसकी जो पढ़ते हैं वो लगातार हम खोलते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।